Hello guys, welcome to my YouTube channel. जय हिंद, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SSC क्लासेस में। सो वंस अगेन आई एम हियर टू टीच यू समथिंग स्पेशल एंड दैट इज़ वॉइस। आज हम जो कवर करने वाले हैं, अभी तक हम लोगों ने जैसे एक तो टेंस हम लोगों ने फिनिश कर दिया है, तो अगर कोई टेंस में भी कोई डाउट होता तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि नरेशन भी मतलब हो ही गया, पूरा कंप्लीट हो गया है, बस उसकी प्रैक्टिस एक दो की बाकी है। आई विल बी कंटिन्यू दैट, हम वो करते रहेंगे। और आज हम शुरू करने वाले वॉइस। वॉइस क्या है, ये कैसे मतलब क्या इसका काम क्या होता है, कैसे हम चीज़ों को लिखते हैं और कैसे कैसे किस चीज़ का बनेगा, तो कुछ चीज़ें हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। और बहुत ही एकदम आप कह लीजिए कि बहुत ही आसान भाषा में, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बोरिंग भी आपको नहीं लगेगा। और आप देख पाएंगे कि कुछ मतलब जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि हम सब कर पा रहे हैं। तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, कि वाकई में वो क्यों होता है, तो इन सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि वॉइस में हम जो बातें करेंगे कि वॉइस में देखिए हमारा जो मेन मकसद है अभी जो बोर्ड मतलब वॉइस पढ़ना है, तो देखिए किसी भी एग्ज़ाम में आई डोंट थिंक डेफिनेशन वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन बताने की बात आएगी तो हम जब एकदम थियरी बहुत बाकायदा चलेंगे वो बताएंगे, बट फिलहाल अभी के लिए हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। वॉइस का कैसे हमें करना है, कैसे नहीं करना है, ये क्यों मतलब कैसे कैसे होता है, उन सभी चीज़ों पर हम बातें करेंगे। और जैसे नरेशन में आपने कौन कौन सा सेंटेंस किया था, सिंपल किया, इंटरोगेटिव किया, ऑप्टेटिव किया और इंपरेटिव किया, इंटरोगेटिव किया, तो ये सब वॉइस में भी करना है आपने, मतलब हम ये भी इसमें भी सीखेंगे। उसके साथ साथ मैं अगर आपको बता दूं कि वॉइस इट्स लाइक वेन समथिंग इज स्पोकन, या जब कुछ चीज़ें बोली जाती हैं या हम कोई भी स्टेटमेंट देते हैं या बोलते हैं, वो किसी भी फॉर्म में किसी भी कोई भी सेंटेंस, अब कोई भी सेंटेंस का मतलब ये कि वो इंपरेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, इंटरोगेटिव हो सकता है, कुछ भी बोलते हैं, तो जब आपने उस चीज़ को बोल दिया तो वो एक्टिव फॉर्म में रहता है। किस में रहता है, एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव का मतलब कि यू जस्ट स्पीक टू समवन, आपने किसी को बोला, दैट इज़। अब अगर हम ये कहें फिर पैसिव उसका क्या होगा, पैसिव जो होता है उसका वो इनर्ट वाला होता है। इनर्ट का मतलब, पैसिव का मतलब होता है इनएक्टिव, वो पार्ट जो एक्टिव नहीं हो। एक्टिव ना होने का मतलब कि हाँ ठीक, आप ये कहो कि हाँ वो किया गया, जैसे हमने कहा भाई आई डिड इट, मैंने ऐसे ही किया। और अगर आपने इसको इनएक्टिव फॉर्म में बोलना हो या पैसिव में बोलना हो कि हाँ ये उन्होंने ऐसे कर दिया, तो ये बात होती है। मतलब कि व्हेन द थर्ड पर्सन इज स्पीकिंग या व्हेन द थर्ड पर्सन टेल्स समथिंग, यस दैट हैज़ बीन डन बाय समवन, किसी के द्वारा हो गया है, वो हुआ, तो दैट इज़ कॉल्ड पैसिव वॉइस, क्लियर। तो एक्टिव हम वो कहते हैं जब आप किसी भी स्टेटमेंट या कोई भी अनाउंसमेंट करते हैं, कोई भी चीज़ आप बोलते हैं डायरेक्टली किसी को, तो दैट इज़ एक्टिव। और उसी चीज़ को जब आपको ये लगे कि नहीं ये ठीक है, वो किसी के द्वारा बोल दिया गया या तीसरे पर्सन का नाम लेकर मेंशन करके चीज़ों को अगर बताई जाए, तो वो आप ऐसे कह सकते हैं। फिलहाल डेफिनेशन वगैरह किसी में नहीं आता तो उस पर फोकस नहीं करते हैं हम, सीधा का सीधा पॉइंट पे आएंगे। सीधा पॉइंट का मतलब ये है कि इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, कौन कौन से। पहला तो ये है कि एक्टिव वॉइस जो अभी हमने बताया आपको, और एक होता है पैसिव वॉइस, ठीक, पैसिव वॉइस। अब ये कैसे बनते हैं, क्या क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले तो हम कॉमन पॉइंट्स को सीखेंगे, ठीक है। कॉमन पॉइंट को सीखें एकदम शॉर्टकट तरीके से, हम शॉर्टकट नहीं मतलब एकदम एक्सप्लेनेटरी रहेगा, बट वो आराम से रहेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, आराम से ही चलेंगे। देखिए तो एक्टिव जब भी कोई चीज़ बोली जाती है डायरेक्टली तो वो होता है एक्टिव फॉर्म में, जब उस चीज़ को हम ये कह दें कि नहीं भाई ये किया गया है ठीक है, तो वो होता है पैसिव में। तो आप समझो सबसे पहले हमने ये करना है कि इसके पॉइंट्स देखिए कौन कौन सा सेंटेंस हम कवर करेंगे। सेंटेंस हमारे होंगे एक तो सिंपल, इंटरोगेटिव,
इंपरेटिव एक्सक्लेमेटरी, ये जैसे अगर बन पाता है, जैसे बनेगा वैसे हम करेंगे, अभी जरूरी नहीं है सभी हम करेंगे। तो सेंटेंसेस आपको हमने कवर किया था उसमें, तो अभी हम देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें हम कवर कर पाएंगे। ठीक, अब आप समझिए, एक्सक्लेमेटरी तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें बहुत ही कंफर्म मतलब आती है, एक दो चीजें मिलेंगी, बाकी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये तो आपने ये सब सेंटेंसेस आपने देखा था नरेशन में, आपने नरेशन में देखा इसका किया इसका किया इसका किया इसका एंड इसका। अब इसमें पहले हम समझ लेते हैं, बाकी उसको बताते हैं। देखिए पैसिव वॉइस में जो मेन मकसद हमारा क्या है, हम ऐसे समझते हैं, जैसे ये जो एक्टिव फॉर्म होता है पहले पॉइंट को समझते हैं। देखिए इसमें हम करेंगे पहला चीज, इसमें जो पॉइंट होता है कि वी यूज ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब गिवेन इन एक्टिव सेंटेंस। ठीक, एक्टिव सेंटेंस पहला पॉइंट आपने क्या करते हैं हम लोग, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन एक्टिव सेंटेंस। जो एक्टिव सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसका हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हम एंड वी सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। ठीक, ये पॉइंट ये हमने श्योर है, ये मतलब हम कॉमन चीजें बता रहे हैं। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, इन द कंटिन्यूअस टेंस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तीन पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसी तीन पे हम देखेंगे कि सब चीजें कर डालेंगे सिंपल के लिए, तो आप समझो ये चीजें तो नहीं मतलब अभी तो हम ये लोग नहीं करने वाले हैं, तो अभी जो हम सीखेंगे वो ये है। देखिए मैं आपको बता दूं कि यकीन मानिए अगर आप मेरी क्लास पूरा देखते हैं तो आपको इतना मज़ा आएगा पैसिव वॉइस एक्टिव पैसिव में, और इतना आसान लगेगा कि कहेंगे सर पहले मुझे लगता था कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत ही टफ होता है, आपका वीडियो देखने के बाद बहुत ही ईजी है। तो आप बस एक बार भरोसा रखिए और पूरा वीडियोज़ देखिए, फिर देखिए आपको कैसे मज़ा आता है। तो ये हो गया, वी यूज़ ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन एक्टिव सेंटेंस, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, एंड इन द कंटिन्यूअस टेंस बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। अब समझते हैं कि जब हम सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं तो उसके साथ ना हम कुछ चीजें यूज करते हैं। अच्छा उसको रहने देते हैं, अभी अभी हम समझते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, इसमें क्या सीखना है, सिंपल सेंटेंस को लेते हैं। ठीक, सिंपल से अब हाँ ये भी है कि क्या क्या चीजें कैसे बदलती हैं ये भी हम समझते हैं। तो ये एक तरफ हम लिख देते हैं एक्टिव और एक तरफ लिख देते हैं पैसिव, पैसिव। ठीक, तो इधर जो चीजें हम लिखेंगे ये पैसिव में होगा, ठीक है, इधर जो चीजें लिखेंगे ये पैसिव में होगा, क्या क्या होगा वो समझते हैं। अगर डू आ गया, डज आ गया, या फिर ई एस या एस आ जाए तो ये पैसिव में बदलता है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ये होगा इज, आई एम, आर। ओके, अब अगर इज आता है, आई एम आता है, आर आता है, तब हम यूज करते हैं आई एम बीइंग
आर बीइंग, ठीक आई बात समझ में। अगर हैज आता है, हैड आता है, हैव आता है, तब हम यूज़ करते हैं हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन, ठीक ये हो गया। ऐसे ही अगर डिड आए, सेकेंड फॉर्म वर्ब आए, तो हम यूज़ करते हैं वॉज, वर, ठीक। ऐसे ही हाँ इसमें भी आप लिख सकते थे, हमने लिखा नहीं, वॉज आए, वर आए, तो हम उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो होगा वॉज बीइंग, वर बीइंग, ठीक। ये चीज़ें एक्टिव से पैसिव बनाएंगे ऐसे, इधर बहुत होने जब होने वाला है तो आप ध्यान से देखें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ भी कर देते हैं, तो ये हो गया आपका एक्टिव पैसिव वाइज, ठीक है। ये सभी रहे, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो आता है, तो आप जितने मॉडल्स आएंगे, ठीक, अगर आता है इज टू, एम टू और आर टू, तो इसका जो पैसिव बनता है हेल्पिंग वर्ब इज टू बी, एम टू बी एंड क्या बनता है आर टू बी। ऐसे ही वॉज टू, वर टू आए, तो ये बनता है वर टू बी, वॉज टू बी, ठीक। ऐसे ही हैड टू, हैज टू, हैव टू, मतलब इन्फिनिटिव के साथ अगर ये आए तो हम लिखते हैं हैज टू बी, हैड टू बी, हैव टू बी, ठीक। ऐसे ही अगर ये सब चीज़ें आ गई, अगर विल आता है, विल बी, शैल आता है तो शैल बी, कैन आएगा तो कैन बी, मे आएगा तो मे बी। देखिए इसका लिखने का मेरा सिर्फ एक उद्देश्य ये है, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो अब आपको यहाँ पर मैं लॉजिक बताता हूँ। अब ये तो आपको फैक्ट्स हैं, तो लॉजिक आपको ये समझना, पहला पॉइंट ये है कि अगर मॉडल्स आए, मॉडल एक्सिलरीज का मतलब कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, ये सभी मॉडल्स होते हैं, तो अगर मॉडल्स आते हैं तो आपने क्या करना होता है, जैसे मैं अगर ये लिखूं कि एक्टिव, तो एक्टिव में अगर मान लेते हैं मॉडल्स आ गया, ठीक, तो मॉडल्स में जो पैसिव बनते हैं वो होगा मॉडल्स प्लस बी, ठीक है। थर्ड फॉर्म तो यहाँ पर लिखा है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। ये हो गया आपका, मतलब ये इसका पैसिव वाइज पहला पॉइंट ये, अगर मॉडल्स आते तो मॉडल के साथ हम ये लगाते थे। अगर इन्फिनिटिव आता है, इन्फिनिटिव का मतलब ब्रैकेट में टू, तो इसका जो पैसिव होता है वो होता है हम टू और बी का यूज़ करते हैं, ये ध्यान देंगे आप। अब आप सर कहेंगे सर ये आपने टेंस तो बताया ही नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि अब इसमें हम आपको टेंस मेंशन करा देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये आप जरूर नोट करिएगा और आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो देखिए आपने क्या करना है, ये है प्रेजेंट, ठीक है,
इनडेफिनिट। टेंस को रहने ही देते हैं बदलने के लिए, हम समझाते हैं आपको। देखिए अब आपने क्या करना, क्या होता क्या है ये समझते हैं। जैसे जो टेंस का रिक्वायर है वो ये है, देखिए हम लिखते हैं प्रेजेंट और पास्ट। अब ये जो इधर देखिए, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट, इधर पास्ट का इंडेफिनिट, फिर क्या है कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट। अब चार टेंस का नहीं बनता है, ये भी आप ध्यान देंगे। चार टेंस का कौन कौन सा है, चार टेंस ये हैं, देखिए चार टेंस कौन कौन से हैं वो समझते। देखिए ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो ये देखिए पूरा मैंने बढ़िया से लिख दिया है, अब आपको समझाते हैं। देखिए वॉइस एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव का मतलब वो जो डायरेक्टली चीज़ें कह दी जाती हैं, और पैसिव का मतलब वो जो उसी चीज़ को हम घुमा के कहते हैं। पहली चीज़ आपको ध्यान देना है, वी यूज ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द एक्टिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस में वर्ब होता है उसका हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। कब, जब हम पैसिव वॉइस बनाने जाने लगते हैं तब। ठीक, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, दिस इज इन द शॉर्ट फॉर्म। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है सब्जेक्ट बन जाता है। दूसरा पॉइंट, इन द कंटिन्यूअस टेंस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखिए, अब डू डज आता है तो इज एम आर। देखिए यहां पर मैं मैंने इसलिए, देखिए प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, बदलता कैसे है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है, जो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, जो इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है एक्टिव में, जब वो पैसिव में बनाया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस वाले टेंस का। ठीक है, ये इसका हम यूज करते हैं, और जब इसका बनाना होता है तो हम इसके नीचे वाले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब नहीं, वर्ब तो थर्ड फॉर्म ही लगना है सब में, इसमें भी थर्ड फॉर्म, इसमें भी थर्ड फॉर्म, ऐसे इसमें भी है। पास्ट इंडेफिनिट को जब हम पैसिव में बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस का, और जब परफेक्ट बनाते हैं तो वो किसका यूज करते हैं उसके नीचे वाले का। तो ये लॉजिक आप यहां भी देख सकते हैं, डू डज अगर एस या एस आता है तो इसके लिए हम इज एम आर का यूज करते हैं, एक्टिव हेल्पिंग वर्ब। अच्छा यहां ना लिख करके बल्कि हम यहां लिख दें हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव हेल्पिंग वर्ब, और ये होता है पैसिव पैसिव हेल्पिंग वर्ब। आप समझिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो एक्टिव में यूज किए जाते हैं, मतलब एक्टिव में आते हैं, और इनको जब हम पैसिव में बनाते हैं तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इस तरीके से। अब आप हमने देखिए लॉजिक क्या बता रहा है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस, और यहाँ भी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू होता है, डज होता है, एस होता है, एस होता है, तो इसके लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं क्या है वो ये है, मतलब कि इज एम आर है। ऐसे ही परफेक्ट वाला जो हम यूज़ करते हैं, इस परफेक्ट का किसी भी परफेक्ट, जैसे इसका हो या फ्यूचर का हो, फ्यूचर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके नीचे वाले को, ये मैं लॉजिक बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए हैज़ और हैव हैड आता है तो उसके नीचे वाला हैज़ बीन, हैड बीन उसके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। ऐसे पास्ट एंड डिफरेंट का जब हम यूज़ करते हैं तो उसके नीचे वाले का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं कंटिन्यूअस टेंस वाला, तो ये भी है, ये भी है। अब समस्या आती है कि सर कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनेगा, फ्यूचर का तो बनता ही नहीं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इन द कंटिन्यूअस टेंस बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, इन द कंटिन्यूअस टेंस बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है सेम ही रहता है।
जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सेम ही होता है, तो हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, कंटिन्यूअस टेंस का ही रहेगा, लेकिन उसके साथ हम बीइंग और बीइंग लगा देते हैं, वो आपका थर्ड फॉर्म तो सभी में कंपलसरी है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इतनी बातें आपको समझ में आई? तो ये तो रहा। देखिए, अब आपको याद करना हो तो चाहे ये आप याद कर लो कि ये आता है तो हम पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इसका यूज़ कर लेंगे, या फिर अगर आपको ये याद है कि इंडेफिनिट वाला, मतलब इंडेफिनिट को जब हम बदलते हैं पैसिव में तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, उसके नीचे वाले का, इसके नीचे वाले का, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस आता है तो उसके लिए सेम हेल्पिंग वर्ब होता है, बस हम बीइंग लगा देते हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं कि ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या क्या नहीं बदलता है? देखिए, ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आर नॉट चेंज इन इन द पैसिव वॉइस। ठीक है, ये सभी जो तीन सेंटेंस ये हो गए ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑल परफेक्ट का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हो गए ऑल। उसके बाद क्या होता है, एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आर नॉट चेंज इन द पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में ये नहीं, मतलब चार टेंस नहीं बदलते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एज वेल एज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये चार टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते हैं। तो ये सब पूरा का पूरा रहा रूल रेगुलेशन। अब ये जो इन्फिनिट, देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया, मॉडल्स अगर आते हैं, मॉडल्स का मतलब, अब मॉडल्स में क्या क्या आते हैं वो समझिए आप। मॉडल्स में आएंगे आपके कैन आ गया, विल आ गया, सैल आ गया, सुड आ गया, माइट आ गया, मे आ गया, ऑट आ गया। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, ठीक है, मस्ट हो गया, विल हो गया, शुड हो गया, ये सभी क्या होते हैं, मॉडल्स ऑक्सिलरीज हैं। अगर मॉडल ऑक्सिलरीज आते हैं एक्टिव मोड मॉडल्स हो तो उसका पैसिव मॉडल्स के साथ साथ हम बी लगा देते हैं, और वो आपका थर्ड फॉर्म तो वेरी कंपलसरी है। इन्फिनिटिव के साथ भी अगर आता है, कुछ भी इन्फिनिटिव में है, जैसे यहाँ देखिए सब इन्फिनिटिव फॉर्म में हमने लिखा है, तो ये क्या है? उसके बाद आता है तो टू बी लगाते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो कंपलसरी। ये जो चीज़ें इसमें लिखे हैं ना, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, मतलब ये अगर आपको याद है तो दिक्कत नहीं होगी। अब जब हम आपको एक्सरसाइज इसकी कराएंगे ना, तो आप कहेंगे वाओ इट्स अ वेरी इजी, बहुत ही इजी है। तो एग्जांपल के साथ साथ अगर हम चलें, तो एग्जांपल वेयर कैन आई राइट एक्चुअली, तो ये तो पूरा इंट्रोडक्शन है, मतलब एक थीम तैयार हो गई है कि पैसिव क्या है, कैसे कैसे चीज़ें हमें करनी है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम अटेंड करेंगे उसमें हम सिंपल से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो ये अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, ये ज़रूर देखें, आप देख पाएंगे कि कितनी मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा, आप जल्दी भूलेंगे नहीं, ये मेरा वादा है। अगर आपने मेरे इसको लिख लेते हैं, लिखने के बाद आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, तो आप जल्दी भूल नहीं सकते। वॉइस कैसा भी आए आप आराम से कर लोगे। ऐसे ऐसे मैं कॉन्सेप्ट या लॉजिक बताऊंगा ना, आप एकदम मस्त हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।